एल्विस भाई के चक्कर में हमारा लॉक लग गया अभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मेरा नाम है सरे थोड़ा सा फनी। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूं, स्वस्थ हूं। जय श्री राम। तो यहाँ पे देखो भाई, गाड़ी खराब होने की जर्नी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। उससे पहले हम खत्म कर देते, थोड़ा कपड़ा मार देते भाई। सो गाइज, थोड़ा बैंक का कुछ वर्क था तो मैं पहले बैंक पे आया हूँ और यहाँ से जाऊंगा ऑफिस। और भाई इतना स्केड्यूल टाइट हो गया है ना कि अभी ऑफिस जाना है। ऑफिस जाके मेरे को एक दो रील शूट करने, वो तो सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन जो शार्क टैंक वाला एडिटिंग चल रहा है रोहित कर रहा है, रफ एडिटिंग रोहित करता है। उसके बाद मैं बैठता हूँ तो रोहित शाम तक खत्म करेगा, फिर शाम को मैं बैठ ही जाऊँ। ऐसा लग रहा है आज नाइट करूँ या कुछ भी करूँ, म्यूजिक खत्म कर ही दूँ आज तो क्या। बाकी फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स है, बहुत सारी टेक्निकल चीज है, वो एडिट करनी रही, वो फिर से रोहित करेगा। तो उसके बाद हमारा न्यू स्क्रिप्टिंग भी रेडी हो चुकी है, तो वो भी शूट करना है 15 को हम जाने वाले, उसके पहले, क्योंकि होली पे है वीडियो। तो हम आएंगे 18 को और 18 से 21-22 मुझे फिर से जाना है और होली है 25 को, तो 24 या 23 को वीडियो डालना रहेगा। तो ऐसा बहुत स्केड्यूल टाइट है, तो देखते हैं। शूट तो एटलीस्ट कर ही लेना है हमको, फिर एडिट का तो देखा जाएगा, कर लेंगे, टाइम पे ला ही देंगे कुछ भी करके, कोई नहीं करेंगे। चलो भाई, अपना काम तो हो गया, लेकिन मेरे को 3:30 बजे फिर से जाना है भाई। पूरे दिन ये लोग खराब कर देते हैं। ये लोग को लगता है, बैंक वालों को क्यों लगता है कि हम भाई फ्री ही है। नहीं भाई नहीं, सही है, मतलब सबका सिस्टमेटिक काम होता है। ये सब दोगलापन है, मतलब काम तो हमारा ही है ना, वो तो परेशान नहीं करे। लेकिन अभी जाते हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ फटफट। पहले मम्मी पापा का छोड़ देता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, फिर मेरे पास 2 ही घंटे, क्या कर लूंगा 2 घंटे में। फिर से मेरे को जाना है और मेरे को साथ में देव को भी ले जाना है। चल चलते। आ चुके हैं ऑफिस, देव है नहीं भाई अभी तक। देव, मैं सुबह से कॉल किया 12 बजे देव को, बोल रहे मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ, अभी 2 बज चुके अभी तक आया नहीं। बीच में मेरे को ऑफिस मैंने कॉल किया, बोलता है मैं रास्ते में, आज उसके मजे लेंगे। क्या आदमी है तू, क्या आदमी है। 12 बजे का ये रास्ते में ही है और अभी कितना बजा देखो, 3:30। 3:30 बजे का ये आ नहीं रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, कुछ बोल तो सही। पैसा लेना है भाई, अभी भी चालू है। कहीं का पैसा का भाई, अभी गाड़ी का। ऐसा मत करो मेरी जान। अभी ये क्यों बैठा, याद की गई। ओह, फर्स्ट फ्लोर पे आए भाई। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। सो गाइस, हम जा रहे कोर्ट में, देव के ऊपर एक केस हुआ है, सेक्शन 303। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। केस में तो इसको छुड़वाने के लिए जा रहे हैं भाई, इसको प्रॉपर कागजी उसमें छुड़वाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि देव तो इधर ही है। हम एक काम से जा रहे हैं। सो गाइज, ये हमने जो लिया था स्टैंड, वो स्टैंड अभी फेंकना पड़ा, ऐसा हो गया क्योंकि वो पीछे चला जा रहा है, रह नहीं रहा। आज नहीं होगा, देव ने अभी कुछ उसके अंदर जादू मंत्र फूका है, क्या नहीं होगा, होगा ही नहीं लगेगा। ये क्या है, ऊपर जा रहा है, छपरे को ले रहा है। अब नहीं हो रहा, क्या किया तूने? सिस्टम है, हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ। अचानक मेरे को एक बात याद आई है भाई, तू ऐसे ऐसी बात लेके आता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं जब डेली व्लॉग नहीं चालू था, तब देव ने सबके पास थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे, तो वो हमारे टेरेस के ऊपर एक मस्त कैफे टाइप कुछ बनाने वाला था, लेकिन वो पैसे भी ले लिए हैं और वो कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे। वो पैसे भाई, सब कुछ सामान में चला गया, अभी सिर्फ लाइट लगानी बाकी और कुछ नहीं। सामान में ही चला गया, ऐसे कैसे कैसे तू ये बिजनेसमैन बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा। तो तेरे को वो सब निकाल के तूने बोला था ना कि ये सब जो सामान आएगा और कंप्लीट मेरे को इतने रुपए दे दो, उसके अंदर सब हो जाएगा, ऐसा तूने बोला था। हमारा जो काम था कोर्ट में खत्म हो चुका है, देव को बेल मिल चुकी है, मतलब देव ने हाफ मर्डर किया था। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, एल्विस भाई को मारा था देव ने। ओ नहीं भाई, ये सब मत ले अभी। एल्विस भाई, एल्विस भाई, क्या यार, तेरे को समझ में आया मैटर? पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं। एल्विस ने एक को मारा क्योंकि वो उसको परेशान कर रहा था, फिर मारा तो वो बंदे के पास भी बहुत पावर होगी, तो एल्विस थोड़ा नॉर्मल हो गया कि उल्टा देते ये वो। लेकिन अभी बात आई है कि वो लोग समाज के, एक ही समाज के थे, इसलिए सब शॉर्ट आउट हो गए, और शॉर्ट आउट करने के लिए एक बंदे के घर पे बुलाया गया। ओ भाई,
एल्विस भाई के चक्कर में हमारा लॉक लग गया अभी। हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? एल्विस भाई गए तेल लेने, हमारी गाड़ी का लॉक लग गया, अभी क्या करने का? भाई मैं क्या बोलना पड़ा? हाँ तुमको इधर ही खड़ा होगा इसीलिए। कौन कहाँ है इसका? फोरव्हील में पहली बार लॉक लगा है। निकल के टायर ही बदल लेने का और लेके चला जाने का। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? आइडिया तेरा अच्छा है, मैं वैसा ही करूंगा। ब्लॉग में आ गया इसलिए अभी अपने को कट हो सकता नहीं, कट नहीं हो सकता भाई। ब्लॉग में आ गया इसलिए अभी सीधी तरीके से पैसे दे देते, कट होगा ना तब अपन टायर बदलेगा उसमें पैसा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सीधा स्पेयर भी लगाने का और कुछ नहीं भाई। एक तो इधर जगह है नहीं गाड़ी रखने को, कुछ भी जरा सी भी जगह नहीं है, ढूंढ ढूंढ के जैसे तैसे रखी और वो भी नो पार्किंग लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें भी ये लोग लॉक मार के चले जाते। ये देखो अपना ही नहीं BMW का भी मारा है, नहीं स्क्वाड है, सबके लॉक मारे हैं। अभी यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? छोटा रोड है हाँ पता है, लेकिन जगह तो होनी चाहिए का माथे पे रखे फोर व्हील, साइकिल ही लेके आने का, साइकिल ही ले लेने की है। नंबर दिया हुआ है भाई। हेलो हाँ सर, लॉक मारे लो तो नंबर लगे लो कॉल कर। कार में पहली बार फर्स्ट अचीवमेंट, कार में पहली बार हमारी गाड़ी जमा हुई है, ये तो बहुत अच्छा है। आगे रिक्शा खड़ी थी, रिक्शा को लॉक नहीं मारा है, कार को मारा, कार को। रिक्शा लेंगे अभी, रिक्शा में भाई धंधा भी होगा। देव तू तेरी गर्लफ्रेंड को लेके घूमने भी जा सकता है रिक्शा में, चलाएगा ना भाई? तू तेरी गर्लफ्रेंड को लेके घूमने रिक्शा में जा चाहिए ना। दस गाड़ा यार सीधा निकल जाओ, तादी राइट मार लो। मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है। दस गाड़ा तो इधर आया, इधर जाना। शर्म करो भगवान से, डरो जवाब नहीं देता, तो दे दिया ऐसे ही, इधर से राइट मार के अभी घूम के आएंगे भाई। सॉरी बॉय, अगर ब्लॉग देख रहे हो तो रिक्शा पे थे हम, गर्लफ्रेंड भाई, गर्लफ्रेंड को तू लेके जा सकता है। हेलो देव, सुनेगा नहीं यार, कैसी एक्टिंग करता है, कैसी एक्टिंग करता है, होनी चाहिए ना भाई। नहीं है तेरी गर्लफ्रेंड सच में? बोल मम्मी कसम, पकड़ा गया ना। सो ये लोग कैश लेने गए भाई, पहली बार ऐसे लॉक मार दिया, लेकिन कोई नहीं क्या कर सकते, सरकार के नियम सिद्धांत है, उसके आगे तो कोई ऊपर आ नहीं सकता। ये फटाफट करके जाते हैं यार, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी क्यों है, क्या मौसम को विभाग को क्या हो गया, इतनी गर्मी लग रही है ना बाहर, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। जाते हैं उधर मस्त एसी में बैठते, एक चाय मारेंगे, चाय पियेंगे और स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे। साइड में रोहित एडिट तो कर ही रहा है और इस साइड वाले पीसी में स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर देंगे लिखने का, क्योंकि हमको शूट करना पड़े ऐसा है ही परसों। ये हम कैश नहीं रखते, बहुत बड़ी बिल्डिंग आ रही है, लेकिन आदत ही नहीं है बिल्कुल भी कैश रखने की, आदत नहीं, ऑनलाइन ही UPI ही रहता है ऐसे, बहुत कुछ कुछ जगहों पे प्रॉब्लम होती है हमको, लेकिन नहीं आदत तो क्या करें। ले आए पैसे, कैश रखा करना तो भाई, तुम रखा करो ना भाई, मैं तो पहले से ही नहीं रखता, तू तो रखता है ना, ये कैश ट्रांजेक्शन है ना, 20-20 रुपए के स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग पीता है यार ये, स्ट्रिंग पीने वाले लड़के छपरी गाइस, स्ट्रिंग पीने वाले छपरी में आते है पता है, ऐसा तो ना बोलता है। चलो फाइनली भाई अपनी गाड़ी अपने को मिल चुकी है, टाइम क्या हो रहा है? टाइम हुआ ना 7:21। अभी मैं इतना ना बोल रहा हूँ, गर्मी इतनी है, देव बोल रहा है कि मैं कुछ ठंडा पीला था, मैं कुछ ठंडा पीला ना बोल रहा हूँ, फिर भी बोल रहा है मेरे को ठंडा पिलाना ही है, तुम लोग को पिलाना ही है, इसलिए अभी इसकी जितनी जबरदस्ती कर रहा है तो हम कहीं कुछ ठंडा पियेंगे। हम नहीं देंगे, भूल जाओ। सो भाई देव तो कुछ पिलाने से रहा, मैंने सोचा मैं ही ले लेता हूँ, चौवड़दानी है, बर्थडे पे डायरेक्ट बर्थडे टू बर्थडे वो खर्चा करता है। इतनी भयंकर छास है ना भाई अंकल की, यहाँ पे ट्राई करना कभी, ये रोड है देख लो, ये छास बहुत मस्त छास आ गई, मजा आ गया ना, बहुत जबरदस्त लेके जा रहे ऑफिस के लिए भी, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे सच में, कभी ट्राई करना आप छास पीना हो तो बहुत मजा आएगा। आयुष एग्जैक्ट टाइम पे आया, लेकिन खत्म हो गया भाई, लास्ट ग्लास बचा था, ले चल ये पोटली पे जा, पोटली मार, ये तेरे हिसाब से ये ग्लास तेरे को छोटा पड़ेगा ना तो ये बड़ा है, लेना भाई जगह तो दे भाई, जगह रुक जाओ, सोफा खाली करो, सब लोग खड़े हो जाओ भाई, बैठ आयुष। पकड़ा गया। अब दिख गया आयुष, पी ले, ले रुक जा मैं ग्लास देता हूँ तेरे, कुछ नहीं है ना ये, कुछ ये जीप पे तैरेगा ये। ये तो सिर्फ मेरा होंठ को टच हो गया ना। मजा आया, तू खाना खाता है थाली में खाता है के बड़ा वो तगारा चीज है, तेरी थाली कितनी बढ़िया थी वो सच में बोल, सर नॉर्मल ही थाली में खाता है, नॉर्मल जितनी इंसानों की आती है, भाई वो डाइट कर रहा है ना, डाइट कर रहा है। ये एक फ्रेम के अंदर दो आदमी है बराबर है, इसका खाना 3 रोटी है, इसका खाना 10 रोटी है, तो भी इसका शरीर देखो 6-8 रोटी है।
तो भी इसका शरीर देखो, ये 8 रोटी वाला बंदा, ये 3 रोटी वाला बंदा, ये सब भगवान की देन है कुदरत। मतलब इसको जाड़ा नहीं होने दे रहे, इसको पतला नहीं होने दे रहे। मेरे कलम अच्छे हैं, तेरे कलम अच्छे हैं, इसलिए फिट फिट नहीं है तू, फिट फिट है। कोई शब्द नहीं मिल रहा मेरे को, क्या बोल रहे। कितनी रोटी आती है, कितनी साइज क्या है रोटी? नीचे नहीं, आयुष ने मेहनत किया, वजन घटाया, इसका मतलब 150 से 149 किया भाई। अब खुल जाना चाहिए, वो अभी सुपर जा रही है। जीत की प्राप्ति भाई। ये टी शर्ट किसकी है पता नहीं, लेकिन मेरे को सुबह वो टी शर्ट में बहुत गर्मी लग रही तो मैंने ये पहन ली थी, और अच्छी भी लग रही है, लेकिन किसकी है पता नहीं। देव दे रही है, देव बोल रहा है ध्रुव की है, तो ध्रुव आएगा तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देगा, देखते हैं। मेरे को उर्विल की लग रही है भाई, उर्विल की आईडी चली गई है इंस्टाग्राम पे से, और वो राजस्थान है 5 दिनों से, तो उससे वहाँ से कुछ ऑपरेट भी नहीं हो रहा। लेकिन जिन लोगों को कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि उर्विल इंस्टाग्राम पे नहीं दिख रहा, तो उसकी आईडी चली गई है, पता नहीं क्या रीजन से। अब फिर आएगा तब पता चलेगा। ऐसे रोज आने का ना देव भाई को, ऐसे मैं देव के मजे ले रहा हूँ ना, तो आयुष को सेफ फील हो रहा है। बहुत ज्यादा सेफ फील हो रहा है क्योंकि आई उस पे नहीं आ रहा हूँ ना, इसलिए वो मतलब तेरे को नहीं पसंद तो ना बोल दे, बोल। नो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या आया ना कुछ तो बोल, बोल के देखो यार, नहीं मजा आ रहा। तेरे को कोई और चिढ़ा रहा है उतना खाली बोलना मेरे को, बस तो क्या है, जब कोई और चिढ़ाने लग गया ना तो भी चालू ही रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है देव? बढ़िया बढ़िया रहना है तेरे को, और तो परसों फ्री रहना, और कल भी थोड़ा बहुत रील आ जाऊंगा भाई, रील शूट करने का है, मैं आ जाऊंगा भाई। तू आने का बोलता है, आता नहीं है फिर। आता हूं भाई, कितने बजे आएगा? फाइनल ये टी शर्ट का मालिक मिल गया है, ये टी शर्ट ध्रुव के है, और ये बोल रहा है कि मैंने तेरे को बोला था तेरा टी शर्ट ये पड़ा था। भाई ये टी शर्ट मैं कब लाया तेरे को पता है? जब तू वो सूट में था ही नहीं, तब ये मेरे को लगा बोलेगा जब तू पैदा नहीं हुआ था, ऐसा बोला। लेकिन उसने बोला कल सूट नहीं है, कल सूट नहीं है, नहीं परसों है, लेकिन परसों फाइनल कर डालने का है। फाइनल 13 तारीख है, मेरे को 15 को जाने का है, तो 13 और 14 में शूट होगा। 13 तारीख है पर तेरे पे है सब। वो सो गाइस, हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है, और बहुत ही अमेजिंग रही, बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्टिंग हो चुकी है, और एकदम मस्त वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा आपको जल्दी। हाँ, ये आपको सुन रहे होंगे जो लोग KFC वीडियो देखते हैं, वो लोग बोलते होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट करता रहता है, कुछ हाथ तो नहीं रहा। लेकिन भाई आएगा ना, लाइन में आएगा, अभी शार्टिंग आएगा पहले, उसके बाद ही आएगा होली वाला वीडियो। लेकिन हम काम इतना फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम एकदम फास्ट वीडियो देने और अच्छी वीडियो देने, और एकदम नया और फ्रेश कॉन्टेंट है, ये भी मजा आएगा। बाकी मैं नीचे से मस्त निकलने वाला था और रियलाइज हुआ कि चार्जर ऑफिस पे ही है, तो अब ये ऊपर आने का इतना भाई भयंकर गुस्सा आता है ना, लेकिन क्या करें, चार्जर के बिना घर नहीं जा सकते क्योंकि चार्जिंग रहना बहुत जरूरी है। तो फिर से ऑफिस खोलना पड़ेगा मेरे को। तो ये रहा चार्जर, क्यों तेरे को पता नहीं चलता? हम लोग चले जाते तो बोल नहीं सकता पापा मैं आ रहा हूँ, पापा मैं आ रहा हूँ, पागल इंसान। ऐसा लगता है ये शार्क टैंक का स्टूडियो है। सो गाइस, निकल चुके हैं ऑफिस से घर जाने के लिए, और हाँ शिट, मेरे को आपको आपकी भाभी को कॉल करना था और मैं भूल गया, ये भाई जिंदगी और मौत के बीच का सवाल है। चलो तो फिर भाई, अभी मैं कॉल कर देता हूँ, वैसे भी हम घर ही जा रहे हैं, पर मेरा ये रूटीन रहता है घर जाते समय ऑफिस से लेके घर तक मैं कॉल करता हूँ, फिर रात को फिर से कॉल करता हूँ, ऐसा रहता है भाई। चलिए मिलते हैं घर पे।